आप अनफिट हो जाते हैं, आपका वीजा जमा हो गया, मान लीजिए आप गमका मेडिकल आपका अनफिट हो गया है, अब आप चाहते हैं मैं दूसरे वीजा पे जाऊँ, तो आपको 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। जिस तारीख को आपने मेडिकल कराया था, जब से आपको 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद आपका दोबारा से वीजा निकलेगा और 6 महीने के बाद ही दोस्तों आपका मेडिकल होगा। 6 महीने से दोस्तों अगर 1 घंटा भी बाकी है ना, तो आपका गमका मेडिकल नहीं हो सकता है दोबारा से। कुछ पैसे दे के गमका मेडिकल पास करा लिया, आप कुवैत आ गए। अब कुवैत में अगर आपका गमका मेडिकल हुआ फिर से, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुवैत गमका मेडिकल के ऊपर। सबसे ज़्यादा दोस्तों अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, गमका मेडिकल के ऊपर हो रहा है, और किसी कंट्री का इतना नहीं है, सऊदी, ओमान, कतर इतना नहीं है जितना कि कुवैत में करते हैं। सब गमका मेडिकल आपने करा लिया, फिट आ गए, तो समझ लो आपने आधी जंग जीत लिया है, नहीं आपका आधा काम हो चुका है। जो मेन है दोस्तों वो कुवैत का मेडिकल है। कुवैत का मेडिकल पता नहीं क्यों फेल ही होता है। तो ये भी मुझे कमेंट किए हैं कि यूनुस भाई, मैंने पैसे दिए थे और मैंने गमका मेडिकल कराया, कुछ पैसे भी दिए, पैसे लेकर भी मुझे जो है अनफिट कर दिया गया। कुवैत का वीजा है और आप कुवैत आना चाहते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है धौंधोमारी होती है वो मेडिकल में होता है। और हम बात करने वाले हैं कि आप गमका मेडिकल कैसे चेक करेंगे, का एक बार गमका मेडिकल हो जाता है तो उसके कितने दिन के बाद आप गमका दोबारा से गमका मेडिकल करा सकते हैं। अगर आपने गमका कटाया है, आप सेंटर पे नहीं पहुंचे हैं, या आपने मेडिकल नहीं कराया, या उस सेंटर पे आप नहीं पहुंचे, लेट हो गए, या आप उस सेंटर पे जाना नहीं चाहते हैं, तो कितने दिन के बाद दोस्तों आप दोबारा से जो है गमका कटा सकते हैं। अगर आपका गमका मेडिकल कट गया है तो उससे आपको 1 महीना बैठना पड़ेगा। अगर आप कैंसिल नहीं कराते हैं दोस्तों, तो 1 महीना लगता है कैंसिल होने में, 1 महीने के बाद अपने आप वो कैंसिल हो जाएगा। गमका मेडिकल करा लिया है और आप अगर उसमें फिट आते हैं तो रिपोर्ट चढ़ा देंगे नेट पे। आप अनफिट आते हैं तब भी रिपोर्ट चढ़ा देंगे नेट पे। अगर आप फिट आते हैं तो रिपोर्ट मिल जाएगी और साथ में वीजा और रिपोर्ट पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर खुदा न खास्ता आप अनफिट हो जाते हैं, तो आपका जो वीजा है वो जो है जमा हो जाएगा, पासपोर्ट आपको वापस कर देंगे, जो आपको फिर नहीं मिलेगा। वो वीजा जो है फिर एम्बेसी में जाएगा, एम्बेसी द्वारा कुवैत में आ जाएगा। जैसे मान लो आपने मेडिकल कराया और आपका मेडिकल में कुछ कमी है, रिपीट मांग रहे हैं, कभी ऐसा होता ना, रिपीट मांगते हैं। अगर आप रिपीट नहीं कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं दोबारा से मेडिकल कराऊं, तो उसमें दोस्तों 1 महीने का आपको वेट करना पड़ेगा। 1 महीने के बाद वो गमका मेडिकल कैंसिल होगा। जब 1 महीने के बाद दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में आप किसी भी सेंटर पर जाके दोबारा से गमका मेडिकल करा सकते हैं। ये हुआ। अब बात करते हैं अगर आप अनफिट हो जाते हैं, आपका वीजा जमा हो गया, अब आप चाहते हैं मुझे दूसरा वीजा मिल जाए, दूसरे वीजा पे मैं फिर कुवैत जाऊं, तो आपका दूसरा वीजा जो है दोस्तों 6 महीने के बाद मिलेगा। आप अगर चाहेंगे 6 महीने से पहले, तो 6 महीने से पहले आपका वीजा नहीं निकलेगा। एक बार अगर आप अनफिट हो जाते हैं तो आपका दोस्तों 6 महीने का टाइम बर्बाद हो जाएगा। 6 महीने से पहले आपका वीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि दोस्तों 4 महीने का वैलिडिटी होती है। पहले जो दोस्तों वीजा का वैलिडिटी होती थी 3 महीना, 3 महीने में आप कुवैत आना ही आना है। लेकिन कोरोना आया, मैंने देखा है 5 महीने की वीजा पे डेट था, लेकिन इस टाइम जो है 4 महीने की वीजा की डेट है। मैंने जैसे कि ये वीजा देखिए, 4 महीने के इस पर टाइम लिखा हुआ है वीजा का, चाहे ई वीजा हो चाहे खादिम वीजा हो, 4 महीने की वैलिडिटी होती है दोस्तों इस पर। 4 महीने के अंदर आपको कुवैत में एंट्री मारना है। अब मान लीजिए आप गमका मेडिकल आपका अनफिट हो गया है, अब आप चाहते हैं मैं दूसरे वीजा पे जाऊँ, तो आपको 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। 4 महीने की जो है वैलिडिटी रहती है वीजा के ऊपर, उस 4 महीने के बाद दोस्तों जो है 2 महीना एक्स्ट्रा लेते हैं, उसके बाद में वीजा कैंसिल हो गया आपका। 6 महीने के बाद आपका दूसरा वीजा निकलेगा। जब से मेडिकल कराया दोस्तों, 6 महीने के बाद आपका दोबारा से मेडिकल हो पाएगा। और ये वीजा दोस्तों, ये जो है आपका वीजा निकलने से नहीं है, जब जिस तारीख को आपने मेडिकल कराया था, जब से आपको 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। 6 महीने से दोस्तों अगर 1 घंटा भी बाकी है ना, तो आपका गमका मेडिकल नहीं हो सकता है दोबारा सेंटर में, किसी भी सेंटर में नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप कुवैत आते हैं, खुदा न खास्ता आप मान लीजिए कुछ पैसे दे के गमका मेडिकल पास करा लिया, आप कुवैत आ गए, में आप आ जाते हैं, और कुवैत में आने के बाद यहाँ पर गमका मेडिकल होता है, यहाँ पर भी आप अगर अनफिट हो गए, जैसे कि इंडिया में आपने पैसा दिया और पास होके आ गए, अब कुवैत में अगर आप अनफिट हो गए, तो कुवैत में अनफिट होने के बाद सीधा इंडिया भेज दिए जाएंगे आप, और फिर आपको 6 महीना वेट करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद ही दोस्तों फिर वीजा आपका निकल पाएगा।